मज़ेदार किचन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज मैं आपके साथ एक देखिए स्नैक्स बोल सकते हैं आप, कभी भी बना लीजिए भजिए, वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये जो भजिए हैं वो किस चीज़ के हैं आपको गेस करना है, और अगर आपने गेस कर लिया है तो कमेंट भी कर बता दीजिए, क्योंकि आगे आपको वीडियो में पता ही चलने वाला है कि भजिए किस चीज़ के हैं। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और अगर आप मज़ेदार किचन पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फिर घंटी का निशान आएगा उसे दबाना है और ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको मज़ेदार किचन के सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशंस चाहिए तो। और यहाँ पर जो मैं भजिया बना रही हूँ ना, वो इस दाल के बना रही हूँ जो कि चौलाई की दाल है, लेकिन ये जो दाल है ना वो मैंने बारीक वाली दाल ली है, इससे बड़ी साइज़ की भी आती है, लोबिया जिसे कहते हैं, उसके मैं आपके साथ भजिया बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो वाइट वाली लोबिया है ये, और एक कप लिया है मैंने, जो कप है तकरीबन 100 ml का कप है। तो आप इसे अच्छी तरह से धोकर भिगो दें तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए, जल्दी भीग जाती है ये, फिर आपने इसे छान लेना है और हरे मिर्च और लहसुन डालकर पीस लेना है। तो हरी मिर्च आप आपके हिसाब से लेना है, और 2 से 3 आपने लहसुन की कलियां लेना है। फिर देखिए पीस लिया है मैंने, अब थोड़ा पानी डालकर पीसना है, ये याद रखिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और फिर ये देखिए हरा धनिया और प्याज, दोनों को बारीक काट कर आपने ऐड करना है, प्याज ज़्यादा नहीं, एक छोटी साइज़ की प्याज होती है ना उसकी भी हाफ डालें आप। फिर नमक ऐड करें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और ये 1 से 2 पिंच आपने खाता सोडा यानी कि बेकिंग सोडा जो होता है ना वो ऐड करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और बस ये तैयार हो गया बैटर भजिए तलने के लिए। तो आपने मीडियम फ्लेम पर इन भजियों को फ्राई करना है, ये देखिए इस तरह से। कढ़ाई में ऑयल लेना है, गर्म करना है, मीडियम फ्लेम पर तलना है, तेल में जितने भजिया आ सकते हैं आप उतने डाल दें और इस तरह से फ्राई करते रहे, थोड़ी थोड़ी देर को आपने इन्हें टर्न करते रहना है। देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसे, और ये भजिए ना ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बच्चों को तो ख़ास करके बहुत ही पसंद आते हैं। तो ये रेसिपी ना आप घर पर ज़रूर ट्राई करिए और बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मज़ेदार किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मज़ेदार खाएँ, खुश रहें, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।